आजो अब्दुल भाई, अरे तू ऐसा नहीं होएगा रे, तो देखना सबका बोला था ना पहले लगा, फिलहाल मैंने बोला था भाई अदनान भाई जरा ना देख तू अभी वहाँ से धक्का आ रहा है, यहाँ से धक्का आ रहा है भाई, राइट में मैं क्या करूँ बता मेरे अदनान राइट आधा राइट। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है मेरी बर्थडे को लेके, ये बर्थडे नहीं फेस्टिवल के हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं मेरे जितने भी सब फ्रेंड्स हैं और साथ ही साथ मेरे जितने भी फैन पेजेस हैं, कुछ फैन पेजेस में देख रहा हूँ कि उन लोग एक कैंपेन रन कर रहे हैं जहाँ पे जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन लोगों को खाना खिला रहे और ऐसे वीडियोज़ बना रहे और मेरे लिए दुआ करने बोल रहे, तो वो सब चीज़ें भी देख के बहुत अच्छा लगा कि मेरे एनजीओ खोलने के बाद में उन लोग ये एक स्टेप उन लोग भी ले रहे हैं और मुझे देख के लोग भी ये सब चीज़ें आगे भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। अदनान इतना प्यार, इतना लोगों की तरफ से चाहत जो मिलती है, तो कितना ब्लेस फील कर पाते हो ये सब जब वीडियोज़ आप देखते हो, आप सोशल मीडिया पे जब देखते हो, कुछ अगर बताना चाहो। बहुत ही हर हाल में ब्लेस फील करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में शुक्र करता हूँ अल्लाह का, और मुझे लगता है कि वही शुक्र करने की वजह से ऊपर वाला और मेरे पे कुर्बान है, सब चीज़ें मुझे और नवाजते जा रहे हैं अल्लाह, और बस यही शुक्र कर रहा हूँ मैं। अदनान आज का बर्थडे जो आपने कहा जिस तरह से कुछ एक स्पेशल भी है, आज आपने कोई एक स्पेशल या किसी के लिए कुछ गिफ्ट लाया, स्पेशल गिफ्ट लाया, क्या वो गिफ्ट है? सब दिखाओ जरा, क्या है, क्या गिफ्ट है, सरप्राइज तो ओपन करो जरा, दिखाओ जरा, किसके लिए हो सकता है? किसके लिए? अरे ऐसा कुछ नहीं है, अभी देख रहा हूँ मैं, सच बोलने पे आवाज आई कुछ तो समझ से, क्या है ना सच बोलने पे लोगों को बहुत सच हजम नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं देख रहा हूँ कि वो बहुत बदतमीजी से बात कर रहा है और गालियाँ यूज कर रहा है, तो ऐसे थोड़ा सा इधर आ जाइए माइक पे, तो ऐसे इंसान को जो लड़कियों से लड़ रहा है मैं उसके लिए फिर चूड़ी लाया हूँ उसको गिफ्ट में देना चाहता हूँ, ताकि वो चूड़ी पहन ले फिर लड़ेगा तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। यस मैं देख रहा हूँ, अभी रिसेंटली मैंने अपना ओपिनियन शेयर किया बिग बॉस के ऊपर, लोगों ने क्वेश्चन किया था, आप लोगों ने ही क्वेश्चन किया था, तो देखो सबका अपना अपना ओपिनियन है, मैंने देखो अब लोग इन लोग बोलेंगे यूट्यूबर कम्युनिटी, देखेंगे तो फुकरा इंसान भी यूट्यूबर कम्युनिटी से ही है, पर मैंने बोला कि फुकरा इंसान अच्छा खेल रहा है क्योंकि वो डे वन से है और बहुत ही अच्छा खेल रहा है, अभी रिसेंटली जो उसकी कुछ चीज़ हाईलाइट हुई है जो दिख के आ रही है थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस वाला, वो सब चीज़ें एक तरफ, मगर मुझे पर्सनली अगर पूछेंगे तो मुझे उसका गेम अच्छा लगा तो इसलिए मैंने उसकी तारीफ़ किया। ऑन द अदर साइड अभी एल्विश ने बहुत बार हम लोग के ऊपर वीडियोज़ वगैरह बनाया, वो तो छोड़ो, उसके बाद में मैं खाली अपना ओपिनियन शेयर किया, जो मैंने कुछ चीज़ें देखा था कि सलमान खान सर के बारे में, सलमान खान भाई के बारे में वो बहुत उल्टा सीधा बोला था और नाम ले लेके बात कर रहा था, उनके फैंस लोग को बहुत ही वल्गर, बहुत ही गंदी लैंग्वेज यूज़ करके बात कर रहा था, और आज उसको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि वो सलमान भाई के शो में आ गए, तो बस मैं वही सब चीज़ें बताया तो और वो सब चीज़ फूट गई,
और सब लोग हेट देने लगे, तो मैं बोला कि इतना सच अगर हजम नहीं हो रहा तो थोड़ा और सच कि लड़कियों से लड़ रहा है तो उसके लिए एक और बर्थडे में गिफ्ट लेता हूँ। ऐसा कब तक चलेगा भाई, ऐसा कब तक चलेगा? आज आपने ऐसा कब तक चलेगा? देखो मेरी आदत नहीं है ये सब चीज़ें, अभी बहुत टाइम से मैं देख रहा था वो कर रहा है, और रिसेंटली मेरे वन ऑफ द वेलविशर ने वो वीडियो शेयर किया जिसमें वो हमारे फैंस को, टीम 07 के फैंस को और सलमान खान सर के फैंस को झुग्गी झोपड़ी वाले और बहुत ही फालतू चीज़ें कि लोग के बेरोज़गार है, पढ़े लिखे नहीं हैं, जाहिल है, तो डिस्क्रिमिनेशन, ये तो इसकी आदत ही है दूसरे को रोस्ट करना और दूसरों पे फालतू बातें करना और गालियाँ देना। तो मैं वो देखा तो मैं सोचा कि मैं अपना ये चीज़ बोल के और भाई तक का ये चीज़ पहुँचे और भाई देखे। आप उसको उसके जाके लगता है आपने YouTube वीडियोस नहीं देखे, वो बहुत टाइम से कंटिन्यू वीडियोस बना रहा है और बहुत ज़्यादा बोलते आ रहा है और झुग्गी झोपड़ी वाले मुंबई वाले को डिस्क्रिमिनेट करता है, इन लोग फ़र्क लाते हैं मुंबई दिल्ली क्या पता क्या इन लोग क्या समझते हैं, और झुग्गी झोपड़ी पंचर बनाने वाले इन लोग ये सब वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जहाँ से भी आए हैं और ब्लेस फील करते हैं और हर हाल में हम लोग शुक्र करते हैं, हम लोग जहाँ से भी आए हैं प्राउडली बोलते हैं, आज भी बोलते हैं कि प्राउडली कि हाँ हम लोग हैं वहाँ से और हम लोग को फ़ख्र है कि हम लोग वहाँ से हैं, पर आज इस मुकाम पे है जहाँ पे लोग सोचते हैं। अदन भाई आप भी सोशल मीडिया के स्टार हो, ये भी सोशल मीडिया के स्टार रहेगा मेरा, दोनों सोशल मीडिया के स्टार हो, एक दूसरे के ना मिलके रहे, एक दूसरे के नाम लगाने से अच्छा कि फैंस के ऊपर दबाव पड़ेगा भाई। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग जो भी लोग जितने भी लोग मेरे से पर्सनली मिलते हैं चाहे वो क्रिएटर हो या ना हो, हमारी इंडस्ट्री का हो या ना हो, पर्सनली जो भी मिलता होगा वो कभी भी मेरे बारे में कुछ गलत नहीं बोलेगा, पर इन लोग मिले नहीं है शायद, इस वजह से इन लोग के माइंड में एक मेंटालिटी एक इमेज सेट हो गई है और इन लोग हेट दे रहे हैं, पर शायद इन लोग मिलेंगे तो इन लोग का जो पर्सपेक्टिव है, जो इन लोग का माइंड सेट है वो चेंज हो जाएगा। सलमान खान के फॉलोअर क्या बोले आप टॉप 5 में सही समय है उसको रिएक्शन देने के लिए उसकी, क्योंकि जो भी पुरानी वीडियो जिसके आप बात कर रहे हो तो उस पर जो आप अभी रिएक्शन दे रहे हो क्या ये वही सही समय है? मुझे लगा अभी सही समय, उसको जब सही समय लगता है तो वो करता है, मैं अभी ये सही समय समझा क्योंकि बहुत ड्यूअल पर्सनालिटी दिखी और सलमान भाई का भी सलमान नाम ले लेके उसने वीडियोज़ बनाया, उनके फ़ैन को बहुत उल्टा सीधा बोला है, जो पूरे इंडिया के पूरे वर्ल्ड के आइकन हैं, जो लोग पूरे बॉलीवुड में भी जितने भी हीरोज़ हैं सब उनको देख के बॉडी बिल्डिंग चालू करते हैं, हम लोग भी उनको देख के चालू किए, बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, बहुत सारे ज़रूरतमंदों की हेल्प करते हैं, तो उनके बारे में इतना उल्टा सीधा बोलने के बाद आज उसको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि उनके ही शो में आ गया और सामने आके मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहे। अन्ना इसके पहले भी आपने एक यूट्यूबर को चैलेंज किया था, तो क्या आप एल्विस को चैलेंज करोगे? किस चीज़ के लिए? एमएमए फाइट को लेकर के आपने इसके पहले भी एक यूट्यूबर को चैलेंज किया था। अच्छा देखो मैं तो ओपन हूँ और उसका काम है कैमरे के सामने बैठ के बकबक करना, तो वो कैमरे के सामने बैठ के ही बकबक कर सकता है, पर वो अगर ओपन है फाइट के लिए तो आई एम रेडी। तो क्या ये रिवेंज तो नहीं है जो टिकटॉकर वर्सेस यूट्यूब का हुआ था? कुछ रिवेंज नहीं है, मैं एक अपना ओपिनियन शेयर किया जिसके वजह से ये चीज़ इतना हाइप ले ली और बहुत ज़्यादा ये सब वायरल चल रही है, मैंने बस अपना ओपिनियन शेयर किया था, मैंने अभिषेक को और मनीषा को अपना सपोर्ट दिखाया था, और मुझे ये नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। बस पर जिस तरह हम देखते हैं कि काफ़ी लोगों को उन्होंने कहा था यूट्यूब के आप जब जैसे जिक्र कर रहे हो वो क्यों आगे नहीं बढ़ रहे और बोल नहीं पा रहे और आप बोल रहे हो, क्योंकि जिस तरह हाल ही का इंसिडेंट जो हुआ था जो 2-3 मिलियन फॉलोअर्स डाउन हुए थे उस डर के वजह से नहीं हो रहा है कि, और आपने जो स्टेप अप किया है और बोलने चाह रहे हो तो उसमें क्या कहना चाहोगे? किसके फॉलोअर्स कम हो गए? सलमान सर के। वो सब फेक न्यूज़ थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और पहली बात अगर ऐसा हो भी जाएगा ना तो मुझे नहीं लगता कि भाई का ना एक बाल भी बाका होएगा। फॉलोअर्स से उनको क्या मतलब, वो एक ब्रांड है, उनकी खुद एक वैल्यू है, तो ये फॉलोअर्स से ये सब फेक न्यूज़ वायरल करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, भाई तो भाई रहेंगे। अदनान जिस वक्त वीडियोस आए थे एल्विश के उस टाइम पे आशिका के लिए भी वीडियो आया था, जबकि आशिका साथ में गई थी बिग बॉस के घर में एल्विश के साथ, और उस टाइम पे कुछ ऐसा रिएक्शन देखने को नहीं मिला था उनके साइड से, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो चीज़ें हैं उसको कुछ ज़्यादा ही जानबूझ के निकालने की कोशिश की जा रही थी? और मामला काफ़ी पहले का था पर अभी रिसेंटली आप देखोगे ना, अगर रिसेंटली वो कुछ टाइम जाने से पहले भी ना आए दिन वो कुछ ना कुछ पोक करते रहता है, ठीक है, अगर आप लोग थोड़ा अच्छे से उसको जाके स्टॉक करोगे, पर मैंने रिसेंटली देखा और एक नहीं वीडियो देखा, मैंने 3-4 वीडियो देखा, मैं अभी रिसेंटली मैं कुछ महीने पहले मनाली भी गया था, तो मुझे पता नहीं है सिस्टम क्या होता है वहाँ पे, कुछ फैंस आए पर
अगर मुझे पता होता कि वो एल्विश का ऐसा कुछ है स्लैंग वो यूज़ करता है तो मैं वो चीज़ बोलता ही नहीं। पर सब फैन लोग की तरह आके मेरे से मिले, मेरे को बोले सिस्टम बोलो, मैंने बोल दिया। अब वो चीज़ के भी ऊपर उसने बहुत अजीब तरीके से उसने रिएक्ट किया था और बहुत उल्टा सीधा बोला था, तो उसका काम है वो बोलना और मुझे लगा ये चीज़ अभी बोलना चाहिए क्योंकि शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म से कोई बोल रहा नहीं है तो मैं तो बोलूँगा। आशिका एल्विश से मिलने के बाद उनका परसेप्शन ही चेंज हो चुका था कि वो काफ़ी ठीक है, अच्छे लड़के, बोलते कुछ और हैं लेकिन नेचर वाइज अच्छे हैं, तो क्या इन फ्यूचर आप भी उनसे मिलने का कुछ उम्मीद रखते हो? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है, मैं उससे मिला नहीं हूँ ना वो मुझसे मिला है, ठीक है? तो अभी उसका एक माइंडसेट हो गया रहेगा, वो हेट करता है, वो फालतू चीज़ें बोलता है, गालियाँ यूज़ करता है, जो भी चीज़ें करता है, शायद वो मिलेगा तो उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। हम लोग अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं अगर मिलने पे, बोल नहीं सकते, अभी वो जानता नहीं है, उसके दिमाग में जो भी चीज़ आई रहेगी किसी के बोलने पे तो वो ये सब चीज़ें कर रहा है। आप दोनों दोस्त बन सकते हैं एल्विश और आप आने वाले दिनों में? बोल नहीं सकते, हो सकता है बर्थडे है, बर्थडे की अनाउंसमेंट भी कर दो भाई। अनाउंसमेंट क्या हो सकता है फ्यूचर में? आप थैंक यू, बोल सकते हो आप? हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है, दोस्त भी बन सकते हैं, फाइट भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। अनन अभी कुछ एनी बिग अनाउंसमेंट, अभी कोई नया प्रोजेक्ट आपका, सॉन्ग या कुछ आपका नया आने वाला है कुछ अंदर? अभी फिलहाल तो ऐसा नया कुछ आने नहीं वाला और मैं अभी कोई भी कंपनी से एक्सक्लूसिवली साइन नहीं हूँ, मैं इंडिपेंडेंटली काम कर रहा हूँ, तो वो चीज़ भी आप लोगों को बताना था। तो जो भी एजेंसी के साथ मैं काम कर रहा था और अब मैं इंडिपेंडेंटली काम कर रहा हूँ और अब बहुत सारा काम करना है। अभी कौन कौन आने वाला है? बहुत सारे लोग आने वाले हैं, सबका वेट कर रहे हैं और कुछ लोग अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं। डी एविल, सेवन बंडाइस जो रैपर्स लोग हैं उन लोग आ चुके हैं, आगाज़ आ चुका है, फिज़ा आ चुकी है, डायना आ चुकी है और भी बहुत सारे गेस्ट आ चुके हैं, तो जा रहा हूँ थोड़ा उन लोगों को। आएंगे सब, आप आते होंगे, ऑन द वे होंगे सब। अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा खेल रहे दोनों भी। पूजा मैम मेरी कॉलेज से, जो कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ रिजवी कॉलेज, तो पूजा मैम भी वही कॉलेज से है। मैं क्यों मिलूँ, वो मिलना चाहेगा तो मिल लेंगे। भाई डन हो गया, आप ना खाली वो चूड़ी के साथ यहाँ पे एक विजुअल दिखाओ। इधर और क्या नहीं है, मैं रिटर्न गिफ्ट किसी को नहीं दे रहा हूँ और इतना ज़्यादा ये सब चीज़ें टॉक्सिक जो भी फैला रहे ना ये सब चीज़ें मेरे प्रोफाइल पे आके बर्थडे वाले दिन तो मैं देखा, तो ये एल्विश के साथ साथ एक एक चूड़ी मुझे को भी पहनाना चाहिए। और जो आके हेट फैला रहे हैं, जो गालियां दे रहे हैं, जिन लोगों को काम नहीं है, बेरोजगार लोग हैं, जो काम धंधा नहीं है, ये उन लोगों के लिए। अदनान एल्विश के आर्मी के लिए क्या बोलोगे? बोलना नहीं है, चूड़ी लाया हूँ। ठीक है भाई, अरे अरे विवादों पे बात हो गई, पहले मेरे लिए सरप्राइज है क्या है? इसने सबको बोला ब्लैक ड्रेस कोड में आना और खुद व्हाइट में। ये जो स्टैंड आउट करने के लिए इसने हमें ब्लैक में बुलवाया। सी आई फॉलो द ड्रेस। थैंक यू सो मच, मींस अ लॉट। ये साइड में कम हां, इधर आ जाओ। और मेरा अर्ली मॉर्निंग शूट है वो भी दुबई में, 5 घंटे में एयरपोर्ट पे जाना है। एंड स्टिल आई एम हियर फॉर। थैंक यू सो मच। अलान का बर्थडे कैसे है? अरे खुद आ गए, 5 फुट 8 इंच की खुद आकांक्षा पूरी आई है इससे भाई। क्या
हैप्पी बर्थडे। एक विजुअल यहां कर लेते आप दोनों का, एक सेकंड रुक जाओ। ओह माय गॉड, अंशा जी आ जाओ। ये ब्लैक व्हाइट का जो वो कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है, क्या बात है, ब्लैक एंड व्हाइट। रिटर्न गिफ्ट ये सब बातें सुन रही हूं मैं, वो बाद में मेरे को चूड़ी रिटर्न गिफ्ट के लिए किया। आकांक्षा जी, एल्विश को चूड़ी दी है, क्या कहना चाहोगे? मुझे तो कुछ नहीं दिया अदनान ने तो, और वैसे आज इनका बर्थडे तो मेरा देना बनता है, तो अदनान क्या गिफ्ट चाहिए आप? कुछ नहीं, तुम आ गए, थैंक यू सो मच, आप आए बर्थडे में, यही गिफ्ट है। अदनान का कोई भी स्पेशल ओकेजन हो और मैं ना आऊँ तो ऐसा तो नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच। हाँ जी, सबसे पहले इनका जन्मदिन है जी, आप कुछ कहना चाहो, किस तरह की आपकी यादें रहती हैं इनके साथ और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? बेस्ट पार्ट ये है कि उन कुछ लोगों में से एक है अदनान, जो एक कॉल पे मुझे पता है मैं एक फ़ोन लगाऊंगी तो उठाएंगे और जहां भी मैं बोलूंगी वहां आ जाएंगे, तो हमेशा मेरे भी कोई स्पेशल ओकेजन हो, भले मेरी कोई अपकमिंग मूवी हो, सॉन्ग हो, कुछ भी हो, अदनान हमेशा रहते हैं, या उनकी बेस्ट विशेज होती है और उनका कुछ भी होता है तो मेरा रहता है, तो बिल्कुल, तो मैं चाहूंगी आगे भी कुछ भी हो हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट अदनान, ऐसे हजारों लाखों बंदे आप बनाओ। इतना नहीं जी, आकांक्षा मेरा एक सवाल रहेगा, आज कैट इविक्ट हुए और उनके काफी सारे इंटरव्यूज हुए जी, बट मेरे इंटरव्यू में पर्सनली उन्होंने कहा कि यू आर नॉट अ बैड किसर, यू आर अ वेरी गुड किसर, एंड उसके बाद काफी सारे वो काफी रिग्रेट थे उस मोमेंट को लेके, आपका क्या? मैंने भी सवाल उनसे पूछा था और माफी मांगी उन्होंने आपसे। फिलहाल तो मैं अदनान के साथ खड़ी हूँ तो मैं उसके बर्थडे पे फोकस करना चाहूंगी, एंड इसका जवाब डेफिनेटली मैं देना चाहती हूँ, और मैंने वो सारे क्लिप्स भी देखे, आपकी आवाज भी सुनी मैंने, सबसे पहले आपने क्वेश्चन पूछा था, तो थैंक्स टू जद, थैंक यू जे कि आपने इस चीज को अप्रिशिएट किया और बोला, क्योंकि अभी तक इस सवालों को मैं अकेले ही फेस कर रही थी, एंड अब फाइनली उन्होंने भी मेरा साथ दिया और उन्होंने ये बात बोली, अपॉलोजी दी, मैं उनकी अपॉलोजी एक्सेप्ट करती हूँ, एंड थैंक यू सो मच कि इतनी ऑनेस्टली और मच्योरली उन्होंने इस बात को हैंडल किया, और मुझे ये वही समझदार जज दिख रहे हैं जो मुझे पहले 3-4 दिन दिखे थे, फिर कहीं गायब हो गए थे, तो अगर यही वो जज हैं जो मुझे इन इंटरव्यूज़ में दिख रहे हैं और पहले 3-4 दिन दिखे थे, तो मैं भी आपसे मिलना चाहूँगी, जज कॉल मी। आमिर सिद्दीकी, एंड ही वाज सेइंग, ये ऐसे मुझे पिक करने वाला था, सोचो, थैंक यू फॉर नॉट पिकिंग मी आमिर। आकांक्षा, हाँ जी, इन्होंने अभी जो जिस तरह हम देख रहे थे छोड़ी गिफ्ट की, और आपसे भी मैंने कुछ समय पहले एक सवाल पूछा था, तो आपने कहा कि सिस्टम मिल गया है जी, तो आप इस पे क्या रिएक्ट करोगे, क्योंकि इन्होंने पिछले जो वीडियो, आकांक्षा को वो चीज मालूम ही नहीं है कि क्या हुआ है क्या, एक्चुअली मुझे नहीं मालूम, मैं बिग बॉस भी इतना फॉलो नहीं कर रही, आज ये इंटरव्यूज मुझे इसलिए पता है कि वो सारी क्लिप्स मेरे पास भी आ रही थी, सब मुझे टैग कर रहे थे, एंड दैट्स हाउ आई नो, अदरवाइज मुझे ये इंसिडेंट नहीं पता छोड़ वाला। थैंक यू फॉर ऑल द इंटरव्यू जो आप लोगों ने मेरे क्वेश्चन मेरे बिहाफ पे जज से पूछे, सो आपको थैंक यू गाइस, मैंने बोला, मैंने सुनी आपकी आवाज उस क्लिप में, सो जज कॉल मी, एंड मैं ये पर्सनली सुनना चाहूंगी, एंड इफ दिस इज द रियल यू देन क्या हम सेम फ्लाइट पे तो नहीं मिल जाएंगे? मैं भी दुबई जा रही हूँ, मैं फिनाले के लिए वापस आऊंगी, वो भी फिनाले के लिए वापस आएंगे, कोई प्लानिंग नहीं है, बहुत हार्ड है, क्या बात कर रहे हैं, ऐसा कोई मेरा सॉन्ग शूट है गाइस, मेरा ये प्लानिंग है, नहीं नहीं, अरे अरे नहीं 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 नहीं, अरे अरे अरे, कुछ नहीं, या
यार कुछ भी नहीं, नहीं 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 मेरी उनसे कोई बात भी नहीं हुई, मैं उनके टच में भी नहीं हूँ, मेरे पास उनका नंबर भी नहीं है, उनके पास भी नहीं है, हम लोग कोई किसी के टच में नहीं है। मैं सॉन्ग शूट करने जा रही हूँ, आप लोग मेरी BTS देखोगे दो दिन तक, और चार इवेंट्स हैं जिसकी भी पोस्टिंग देखोगे। तो मैं काम से जा रही हूँ गाइज, अच्छा है ना, काम मिल रहा है, मिलने दो यार, ये सब तो हो जाएगा जब होना होगा। सो प्लीज गाइज लेट्स नॉट स्प्रेड फेक न्यूज एंड फेक रूमर्स, जो जब होगा मैं आप लोग के सामने बता ही दूंगी। असली न्यूज यहाँ है, अदनान का हैप्पी बर्थडे है एंड वी आर हियर फॉर दैट। ये बहुत दिल है छोटू, आप वेट करो, आप एंटर का एंट्री कर लो। हाँ हाँ आप कर लो, आमिर विद द न्यू लुक, वेरी वेरी गुड एक्चुअली। पहले तो विशिंग अदनान अ वेरी हैप्पी बर्थडे, मे गॉड ब्लेस हिम विद लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस। और पिछले 4 साल से मैं हर एक बर्थडे अदनान का अटेंड कर रहा हूँ, और सीइंग हिम ग्रो एट दिस पॉइंट मतलब बहुत अच्छा फील होता है। मैं तो दुआ करूँगा कि अल्लाह उसको और तरक्कियों पे लेके जाए, और वो ऐसे ही ग्रो करते रहे और नए नए बिजनेस उसके आते जाए, और अदनान हमेशा खुश रहे। भाई अभी हाल ही में आप लोगों के लिए तो रिटर्न गिफ्ट नहीं था, बट एल्विश के लिए रिटर्न गिफ्ट चूड़ी लेके आए। तो कौन लेके आया? अदनान भाई ने। ओके, तो आप इस पे किस तरह रिएक्ट करो? ये जो जो बोलते हैं ना ओल्ड रिवेंज होता है, वो सारी थी बार, ऐसा लग रहा था। मैंने जैसा लास्ट टाइम एक इंटरव्यू हुआ था मेरा यहीं पे, आई गेस बैरल एंड को में हुआ था, तो वेर आई सेड कि मेरे को एल्विश का गेम पसंद है अंदर व्हाट ही इज प्लेइंग, बट फुकरा इंसान पहले दिन से, सो मैं एल्विश फुकरा दोनों के लिए कर रहा था। जब तक आकांक्षा थे मैं आकांक्षा के लिए आई वॉज देयर, कि आकांक्षा के लिए अपन आकांक्षा को पुश कर रहे ये कर रहे, बट आकांक्षा आ गए बाहर, फिर उसके बाद मेरे को फुकरा इंसान का गेम अच्छा लग रहा था। और एल्विश जब अंदर गया तो वो बोलते हैं ना कि अभी इसको ना मैं एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम एक क्लिप वायरल हुई, पूरी वीडियो वायरल नहीं हुई, तो लोगों को एक अलग वे जाता है। मैंने बोला मेरे को उसका गेम पसंद है अंदर जो खेल रहा है, ये नहीं बोला कि बाहर मेरे को पसंद है। मैंने बोला जो दुश्मनी है बाहर का बाहर देख लेंगे, जो रोस्ट और ट्रोल्स ये सारी चीज़ें चलती थी। अब दूसरी चीज़, अब एल्विश अंदर है, उसके फैंस सलमान भाई के लिए बोल रहे, अब मतलब एक लेजेंड है उसके लिए बोल रहे कि उसको अनफॉलो कर दिया। सलमान भाई हर साल बिना पार्शल हुए लोगों को बोलते और समझाते हैं, वो उनको कुछ मिल रहा नहीं है उधर से, बट फॉर देयर बेटरमेंट एंड कि वो अच्छा दिखे स्क्रीन पे, इसके लिए सलमान भाई उनको बोलते हैं। तो जब ये बाहर चल रहा था ना कि सलमान भाई के लिए ऐसा वैसा, तो मेरे को भी पर्सनली बहुत बुरा लगा कि वो एल्विश के फैंस ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, जो कि गलत है। एल्विश अंदर उनको भाई बोल के बुला रहा है, इज्जत दे रहा है, तो तुम्हारा भी फ़र्ज़ बनता है, तुम भी उनको बाहर इज्जत दो। दुनिया इज्जत देती है, तुमको भी देना पड़ेगा। ये चीज़ एक पॉइंट आपका मैं ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरह ये जो ओल्ड राइवलरी होती है ना, जो ओल्ड राइवलरी लग रही है, आपकी भी एक ओल्ड राइवलरी है। हाँ, वो तो है। कैरी मिनाटी से इन फ्यूचर, कैरी मिनाटी अगर बिग बॉस जाते हैं तो आप भी इसी तरह रिएक्ट करोगे या किस तरह रिएक्ट करने? नहीं, अगर वो बिग बॉस में जाएगा तो उन लोग बट ऑब्वियस मेरे को भी बुलाएंगे, और जब मेरे को बुलाएंगे तो अभी जैसे आशिका और एल्विश की भी कॉन्ट्रोवर्सी थी, बट आशिका ने जाके ऐसा, हाय एल्विश हाउ आर यू, ये मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ, जो रहेगा सामने सामने रहेगा। हाँ, पहले वो डिस्कस करेंगे, नहीं तो पहले वो डिस्कस करेंगे कि वो रोज ट्रोल और वो सारी चीज़ें, वो बात का बाद में देखेंगे कि वो नेचर उसका रियल लाइफ में कैसा है। आमने सामने रहने पे इंसान समझ में आता है, तो उसको समझ में आएगा कि आमिर सिद्दीकी कैसा है, मेरे को समझ में आएगा कैरी मिनाटी कैसा है, फिर दोस्ती होगी। डायरेक्ट जाके मैं हाथ नहीं मिलाने वाला, ये तो मेरा है। अब अदनान मेरा भाई है भाई, मैं तो सहमत हूँ, मतलब वो जो पहली राइवलरी थी ना, वो चीज़ के लिए मैं सहमत हूँ, बट मेरे को किधर ना किधर है ना उसका अभी ये चीज़ तुमको मालूम नहीं है क्या हुआ है, इन शॉर्ट बता दे रहा हूँ। तो मैंने अपना ओपिनियन शेयर किया था कि मुझे, मैं फुकरा इंसान और मनीषा रानी, हाँ तुम सपोर्ट कर रहे हो, मैं सपोर्ट करता हूँ, और मैं एल्विश को नहीं सपोर्ट करता। उसके पीछे एक मैंने रीज़न दिया कि जो भी है, भाई के बारे में उल्टा सीधा बोलना, भाई के फैंस को उल्टा सीधा बोलना, अब शो पे आके भाई को भाई भाई भाई, वो सलमान खान है भाई। और मैंने भी एक क्लिप देखा था वेर एल्विश सेड कि जो जो ये एक्टर की मूवी लोग देखने जाते हैं जिनका हाथ नहीं होता है, पैर नहीं होता है, ये नहीं होता है,
तो ये भी चीज़ मेरे को खटकी कि पुराने टाइम पे यू सेड दिस और अभी तुम भाई भाई कर रहे हो. अगर मैं रहता, अगर मैं ऐसा उल्टा सीधा बोलता तो मैं सामने ही बोलता कि भाई मैंने तुम्हारे लिए मूवी के लिए ये बोला था एंड आई इवन अपोलोजाइज फॉर इट. ऐसा तो ये होता है कि रियल आदमी है कि मैं इधर सामने बोल रहा हूँ. अभी एल्विश के लिए लास्ट टाइम मैंने क्या बोला बाइट में, जो हमारी दुश्मनी हम लोग बाहर का बाहर देख लेंगे और जो अभी तेरा गेम है वो मेरे को पसंद आया तो मैं ऐसा, बट मैंने क्या बोला जो दुश्मनी है वो देख लेंगे ऐसा. तो दिस इज रियल मी जो मेरा है अंदर का. अदनान ने वैसा पर्सनालिटी दिखाया, उसको जो रियल में लगा ही कांट हियर एनीथिंग अबाउट सलमान भाई, तो उसने वो चीज़ किया और वो एक तरीके से अपनी जगह पे सही है. वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, पॉइंट ऑफ यस 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 यू आर गोइंग बट यू हैव टू गिव अस सम टाइम एज वेल गाइस. ये देखो आकांक्षा पुरी अपने दोस्तों को टाइम नहीं देते हुए और इनको खाई और ये जा रहे हैं, तो ये चीज़ें भी गलत होती है. दोस्तों को टाइम देना चाहिए, मैं इनको ये बोल रहा हूँ. ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर. मिल्लू से मिल्लू मिलके मिलके